फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी, कृष्णा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, भिंडी मसाला। भिंडी की सब्जी सभी घरों में बनाई जाती है, लेकिन हम उसे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो देखिए भिंडी की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमें किन मसालों की आवश्यकता है, देखिए कि हमने डेगी मिर्च ली है, ये केवल कलर के लिए यूज करनी है। ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये आधा चम्मच लिया है। ये नमक हमने एक चम्मच लिया है। हल्दी हमने आधा चम्मच ली है। ये सूखा धनिया लिया है, ये भी हमने एक चम्मच लिया है। ये हमने एक चम्मच ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आपका रेगुलर ऑयल हो। ये हमने तीन चार हरी मिर्च ली है जो बारीक स्लाइस की हुई है। ये अमचूर है, वो भी हमें आधा चम्मच डालना है। ये हमने आधा चम्मच अजवाइन ली है। ये एक चुटकी हमने हींग ली है। ये प्याज है जो हमने इस तरीके के स्लाइस में कटिंग किए हुए हैं। ये हमने आधा किलो भिंडी ली है, जिसे हमने अच्छे से पानी से बिल्कुल धोकर सुखा लिया है। और या तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे कॉटन के कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। भिंडी हमें कुछ इस तरीके से काटनी है। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि हम भिंडी को गोल काटते हैं, गोल शेप में, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपनी भिंडी को इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से काटना है। ये देखिए, इस तरीके से इसे लीजिए, इसके फोर पीस इस तरीके से कटिंग करनी है। अब हम अपनी सारी भिंडी इसी तरीके से काट लेंगे। ये हमारी भिंडी कट के तैयार हो गई है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। फिर हम इसमें जो हमने मस्टर्ड ऑयल बताया था, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। उसे हम गरम होने देंगे। ये गरम होने के बाद इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, पर इसे आप लो फ्लेम पे पहले तेल को अच्छे से गरम होने दें। तेल गरम हो गया है, इसमें हम हींग ऐड करेंगे, फिर अजवाइन ऐड करेंगे। इसमें हम अपनी जो प्याज है, अजवाइन भुनने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये देखिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हम इसमें हल्दी डाल देंगे, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये हम कलर के लिए डेगी मिर्च यूज कर रहे हैं, ये हरी मिर्च। इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम धीरे धीरे अपनी भिंडी मिला देंगे। धीरे धीरे आप चलाइए। भिंडी हमने मसालों में अच्छे से मिला दी है। इसमें हम लास्ट में नमक ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से ये मसाला सब भिंडी पे बाइंड हो गया है। अब इसे हम लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम करना है। बीच में आप चाहे तो उसे चेक भी कर सकते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हम भिंडी चेक कर लेते हैं। भिंडी बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप। इसमें हम क्या करेंगे, अब लास्ट हमें इसमें अमचूर ऐड करना है, आधा चम्मच अमचूर। गैस को ऑफ कर दीजिए, इसमें हम अमचूर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अमचूर मिक्स हो गया है, इसे हम अब सर्व कर लेते हैं।
आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।